हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, दीपावली की मिठाई में आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की मिठाई, जो बहुत टेस्टी बनी होती है। बहुत इजी रेसिपी है और सभी को पसंद आने वाली है और मिनटों में बन जाती है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगता बनाने में। तो यहाँ हमने सारे फ्रेंड्स सारे परवल छील दिए थे और सब फ्रेंड्स इस परवल को हमने खाली भी कर दिया था। तो दो परवल मैं खुद दिखा रही हूँ, हमने पतला चक्कल छीला। अब इस तरह से उंगली से हम सारे बीज निकाल देंगे इसके, ताकि जो खुककर हो जाए और उसके अंदर खोया अच्छी तरह से भर जाए। हमारे परवल तो सारे वैसे थे, तो सारे बीज पके हुए थे, बीज निकाल दिए थे हमने इस तरह से। तो सारे हमने खोकल करके ऐसे रखे हैं और बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं आती इसको करने में। तो दीपावली पे अगर घर में मिठाई बनाते रहे आप तो अच्छा भी लगता है बनाना और बच्चों को सबको पसंद भी आती है। तो आजकल तो वैसे भी कोई भी चीज़ नहीं है, अच्छी नहीं होती हर बाज़ार की। इस तरह से हमने घर में यहाँ पे बनाना दिखा रही हूँ आपको। अब यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी गर्म करा, अब उसमें डाल दिए सारे परवल। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए उसके बाद आप सारे सभी परवल को डालकर 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। अब जैसे ही परवल हमारे थोड़े से गल जाएंगे, इनको छन्नी में निकाल लेंगे हम, ताकि इनका जो अंदर का जो पानी है बिल्कुल निकल जाए। और हाथ से देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं ये, और देखिए कितना सुंदर कलर आया इनका, लग रहा है देखने में बिल्कुल ग्रीन सा। ये देखिए अभी ठंडा हो गया। यहाँ पे हमने खोए को अच्छे से भून लिया। अब इसमें हमने डाली 2 चम्मच चीनी और थोड़ा सा बादाम डाला कटा हुआ, महीन कटा हुआ, थोड़ा सा डाला काजू कटा हुआ। अब इसको हम भून लेते हैं, इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं परवल की। तो खूब अच्छी तरह से ये भून लिया था हमने खोए को। चीनी ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि चीनी चाशनी में परवल डूबेंगे तो मीठा वैसे ही बहुत हो जाएगा। और तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच चीनी डाली इसमें पिसी हुई। ये डाल दिया बादाम महीन कटा हुआ और थोड़ा सा महीन कटा हुआ काजू डाल दिया। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, वरना ऐसा नहीं है कि डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे खूब अच्छी तरह से मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर ली। खोया खूब अच्छी तरह से भुन गया हमारा। कंटिन्यू चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर, नहीं तो ये जल जाएगा फ्रेंड्स। और अब इसको निकाल लेते हैं, अच्छी तरह से हो चुका था। फिर हमें इसमें डाला 1 गिलास पानी और जो चाय का चम्मच होता है उस चम्मच से नाप के हमने डाले 6 चम्मच चीनी इसमें। ये देखिए चम्मच हमारा देखिए छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। अब चाशनी खूब अच्छी तरह से बॉयल करना है जब तक इसमें चिपचिपापन ना आए। जैसे भी चाशनी में वहाँ चिपचिपापन आएगा तो हम परवल को डाल देंगे और 10 मिनट के लिए चाशनी में डूब रहने देना परवल। तो ये देखिए चाशनी हमारी पक रही है, अभी पकी नहीं है, अभी चिपचिपापन नहीं आया इसमें। तो अभी थोड़ी देर और पका रहे हैं हम चाशनी को इस तरह से। हम जैसे चाशनी में हमारा चिपचिपापन आया, हमने इसमें सारे परवल डाल दिए। अब परवल डालने के बाद हमें इसको 10 मिनट रखना है ताकि चाशनी में अच्छी तरह से डिप हो जाए और बिल्कुल चाशनी इन परवल के अंदर अच्छी तरह से भर जाए। ये देखिए हमारे चाशनी में खूब अच्छी तरह से डूब चुके हैं परवल। और चाशनी भी कम हो गई थी तो परवल जो थे खूब अच्छी तरह से हो चुके थे। अब इसको हम एक छन्नी में निकाल ले रहे हैं इसे। हमने एक प्लेट में निकाल दिया इसको। अब बिल्कुल चाशनी नहीं इसके अंदर, ठंडे हो गए थे तो हमने इसके अंदर खोए की स्टफिंग भर दी अच्छी तरह से। और सभी परवलों में अच्छी तरह से खोए की स्टफिंग भरनी है। ये देखिए सारे परवल हमारे स्टफिंग भर के तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे, हमने कूट के रखा था बादाम थोड़ा सा महीन गार्निशिंग के लिए, ताकि अच्छा लगे देखने में।
तो ये देखिए हमने बहन कुटा हुआ बादाम डाला इसके ऊपर और बहुत टेस्टी, देखने में भी बहुत टेस्टी, खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे परवल की मिठाई आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।